उसने भी ये काम आता है, क्लेम काम करता है, आपको कोई सामान छूटता है, कीमती सामान, अगर टिकट गाड़ी नंबर है उससे हम लोग सहयोग करते हैं, मोबाइल नंबर भी हम लोग के पास होता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल में। तो साथियों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही काम का है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जैसा कि बहुत सारे जो यात्री होते हैं जो सफ़र करने का काम करते हैं, तो डिपो वगैरह से भी जैसे सफ़र करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो टिकट कभी कभी नहीं कटाते हैं या कभी कभी टिकट ना लेने की भी कोशिश करते हैं, बगैर टिकट की यात्रा करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि लापरवाही बस अपने टिकट को खो देते हैं या फाड़ के फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टिकट की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। आज मैं आटा उरई के पास में एक जो कस्बा पड़ता हाईवे पर आटा, वहाँ से मैंने यात्रा शुरू की कानपुर के लिए। किसी काम से मैं आया था यहाँ पर और मेरा जो बैग था, उस बैग में काफ़ी हमारा कीमती सामान था और साथ ही उसमें हमारी दवा थी, क्योंकि मेरा किडनी का इलाज चल रहा है। तो किडनी का आप जान सकते हैं कितना क्रिटिकल कंडीशन होती है, हार्ट है, किडनी है, माइंड है, तो उसमें दवा रखी हुई थी और उस दवा के कारण मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता था, कंडीशन खराब हो सकती थी, लेकिन इस टिकट की रहते ये बैग मुझे मिल चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं इसी बैग में वो सारा सामान था। और हमारी इस बैग को मदद करने के लिए मैंने इसमें जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इसमें कॉल किया। कॉल के बाद हमें हमारी बात, यहाँ के जो रानपुर झकरकटी बस स्टॉप है, यहाँ की जो मैडम है, जो यहाँ पूछताछ केंद्र है, जो इंक्वायरी है, यहाँ पर बैठी यहाँ का कारोबार संभाल रही हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने हमें समर्थन किया, काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया और हमारा बैग दिलाने में हमारी मदद की। तो मैं उनसे मिलाऊंगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इस टिकट को आप किस तरीके से सुरक्षित रखें और इस टिकट की कितनी वैल्यू है। मैडम जी, आप थोड़ा बताएं जो यात्री वगैरह हैं कि वो इस टिकट की क्या वैल्यू होती है और कब कब काम आता है। टिकट की वैल्यू बहुत होती है, आपके पास होगा कोई जरूरी दुर्घटना होती है उसमें भी ये टिकट काम आता है, क्लेम काम करता है, आपको कोई सामान छूटता है, कीमती सामान, अगर टिकट गाड़ी नंबर है उससे हम लोग सहयोग करते हैं, मोबाइल नंबर भी हम लोग के पास होता है, तो गाड़ी में पानी हो होती है उसका नंबर लेके उससे जानकारी लेते हैं प्रचालक से। जो सामान होता है, जैसे कल मैंने एक बैग छानी का रखा था, उरई से आया था, उसका बैग छोड़ दिया था, आज मैंने उसको छानी भिजवाया, राजीपुर गाड़ी से उरई से मंगवाया, छानी भिजवाया राजीपुर गाड़ी से। इसलिए हम लोग यात्रियों का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अतिथि घर मेरे अतिथि तो उनको सुविधाएँ देना है हमारी इंक्वायरी। जो कानपुर में झकरकटी बस स्टॉप है वहाँ पर ये इंक्वायरी का काम संभालती हैं, गणपति जिम्मेदारी संभालती हैं और उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और उनकी मदद के कारण ही आज हमारा बैग हमें मिल पाया है। तो आप समझ सकते हैं इस टिकट की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।